नमस्कार दोस्तों आप सभी का फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल वेंकटेशच पुजार में तहे दिल से स्वागत करता हूं तो आज हम एक मेडिकल इक्विपमेंट के बारे में बताने जा रहे हैं वो क्या है नेबुलाइजेशन मशीन सो इसमें क्या क्या पार्ट होते हैं वो मैं बताऊंगा आपको इसमें जो मेन पार्ट होता है वो होता है कंप्रेसर इसको कंप्रेसर कहते हैं और इसमें दो किट आते हैं एक होता है पीडियाट्रिक किट एक होता है अडल्ट किट और इसमें यह आता है माउथ पीस ये आता है नेबुलाइजेशन चैम्बर बोलते हैं इसको और ये इसका पूरा कनेक्शन किट होता है सो so, अब जो आते हैं कंप्रे जो मेन कंप्रेसर है कंप्रेसर में क्या पार्ट होते हैं इसमें एक देखिए आप यहाँ पंखा लगा होता है तो इसको बोलते हैं फिल्टर इसको फिर बोलते हैं स्विच ये स्विच आता है ऑन ऑफ करने के लिए ये कॉर्ड का वायर आता है यहाँ पे और इसमें ये एयर आउटलेट के लिए कनेक्शन आता है यहाँ पे जो ये होता है एयर ओपनिंग होता है सो क्या करते हैं सबसे पहले ये जो एंड पॉइंट होता है इसका इसका जो एंड पॉइंट होता है इसको हम कहाँ कनेक्ट करते हैं ये जो यहाँ पे ओपनिंग एयर आउटलेट है यहाँ पे इसको कनेक्ट किया करते हैं कनेक्ट करने के बाद जो एनेबलाइजेशन चैम्बर है इसको हम ओपन करते हैं ऐसे ओपन कर लेते हैं ये स्पेस होता है स्पेस में यहाँ यहाँ से यहाँ तक की मार्किंग्स होती हैं उसमें आपके डॉक्टर आपको जितना सोल्यूशन डालने को बोलते हैं उतना आप डाल लीजिए डालने के बाद इसको ऐसे बंद कर लीजिए बंद करने के बाद अगर बच्चे छोटे बच्चों को दे रहे हैं तो पेडियाट्रिक मास्क लगेगा इस तरह से इसको फिट करना है अगर बड़ों को लगा रहे हैं तो बड़ा वाला मास्क लगाना है जिनको मास्क में कंफर्ट नहीं आ रहा है उसको माउथ पीस लगा सकते हैं इस माउथ पीस को क्या करना है डायरेक्ट मुंह के अंदर यहाँ से यहाँ तक मुंह के अंदर लेना पड़ता है और इसको सांस लेना पड़ता है सो so, इसके जितने भी पार्ट्स हैं नविलाइजर के मैंने आपको इसमें अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिए हैं और ये कैसे वर्क करता है इसको मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा सो so, आगे आप इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ टिल देन टेक केयर धन्यवाद